हेलो गाइस, भैया का एक ऑर्डर है। अथॉरिटी से जो लोग भी देख रहे हैं ना, मतलब मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, सुबह से हॉस्पिटल में ही घूम रहे हैं। ऑब्वियसली इसलिए वर्क तो किया नहीं है। ओके, सो थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो पहले से माफी। हुआ ये कि कल रात को व्लॉग एंड किया, प्रैक्टिकली वो रात नहीं थी, सुबह था, तो सुबह को व्लॉग एंड किया। एंड मामा का चेकअप भी कब हुआ, एंड हमें पता चला कि मामा को लगाना पड़ेगा पेसमेकर। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, समथिंग पॉजिटिव, एज इफ मतलब चमत्कार की तरह ही हुआ है। एंड कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी यहाँ पर, बट आई एम टू मच एग्जॉस्टेड एट दिस मोमेंट कुछ भी बोलने के लिए। इज द डे टू एंड डिब्रूगर, मतलब अभी तो 2 दिन होने वाले हैं, तो 2 दिन से हार्डली मैं ढंग से अगर बोलूँ तो शायद 1 घंटा ही सोया हूँ। फोन में स्पेस ख़त्म हो रहा है, बैटरी नहीं है, फिर भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो आज मैंने डिसाइड किया कि गाड़ी में आके कम्प्लीटली सोएंगे थोड़ा सा। बाय द वे, मामा को एक टेम्पररी पेसमेकर लग चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली जो मेन पेसमेकर है वो कल लगने वाला है। गुड मॉर्निंग, वोक अप जस्ट नाउ एंड आज जेरे थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 6-7 घंटे सो लिया। अभी थोड़ा सा चाय का बंदोबस्त करते हैं, खुद भी पीते हैं एंड मम्मी और मामा को भी पिला के आते हैं। Take it easy again, my friend. Do you remember your childhood spent? Look into the mirror because experience kya kam? Experience. Jigo ne ye ko express karo na. तो फिलहाल मामा को लगा हुआ एक टेम्पररी पेसमेकर, शो यू। ये जो बॉक्स है ये है एक टेम्पररी पेसमेकर जो उनके पाव से जाते हुए सीने तक गया हुआ है। हाँ यो आयुष्मान कार्ड बन गया एक, मुझे पता नहीं था इसके बारे में इतना क्योंकि कभी जरूरत पड़ा नहीं, एंड आई होप जरूरत भी ना पड़े। आयुष्मान कार्ड इज अ कार्ड बाय द गवर्नमेंट जिसके अंडर में मतलब मैं ये सारा जो ट्रीटमेंट जो हो रहा है ना मामा का, वो सारा कुछ फ्री हो जाएगा। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। मतलब ये पेसमेकर नहीं तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के ऊपर गिरता, जो कि कम्प्लीटली अभी फ्री मिलने वाला है। वॉज द आयुष्मान ऑफिस। ये डिपार्टमेंट कंपेरेटिवली बहुत स्मूथ क्योंकि मोस्ट प्रॉबली ये हॉस्पिटल के अंडर में नहीं है। सो इफ़ यू हैव अ राशन कार्ड एंड द आधार कार्ड टू अप्लाई फॉर दिस, ये काफ़ी स्मूथली आपका सारा काम हो जाएगा। अभी मैं ये फाइल लेके मम्मी को देके आता हूँ, बिकॉज 2 से 5 के बीच में ये लोग जाएंगे मामा का फिंगरप्रिंट लेने के लिए। एज मामा कांट कम टू दिस प्लेस, ये लोग खुद से जाएंगे एंड वहाँ पर मामा का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फिंगरप्रिंट लेने के बाद मैं लंच कलेक्ट करने के लिए जाऊँगा, और क्योंकि खाना मतलब ठीक से नहीं हो रहा है तो भूख भी ज़्यादा लग रही है। एवरी आवर मुझे एक बार करके भूख लगे जा रही है। सह लेंगे थोड़ा सा ये भी। ये है ऑक्सीजन प्लांट, इसके ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, मैंने उधर में ही देखा कि ये बन रहा था। मुझे जाते जाते यहाँ पर बिरयानी दिखा तो मैं पटाख से रुक गया है। बिरयानी किसी दिन खाने मरेगा। मम्मी के लिए तो लंच ले लिया, ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम दैट बिरयानी वाला प्लेस, मम्मी वेज। एंड तभी मुझे याद आया कि मामा का एक रिपोर्ट 3 बजे मिलने वाला था, तो मैंने सोचा कि रिपोर्ट्स को ले लेते हैं एंड देन चलते हैं वापस रूम में। मेरे गंदे वाले
ग्लास पे मत जाओ, गाड़ी का हालत बिगड़ा हुआ, जैसे तो गोल्डन वर्षन एल्ट्रॉस। पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है गोल्डन वाला वर्जन, मुझे ये ब्लैक वाला ही पसंद है, या फिर एक और आता है पूरा फुल ब्लैक, ये मेरा वाला थोड़ा सा चारकोल ब्लैक टाइप का है। तो अभी बहन का कॉल आया था, कुछ एक बहुत स्पेशल आया हुआ है जो मैंने ऑर्डर किया था। आई एम फीलिंग वेरी सैड कि मैं नहीं हूँ घर पर, और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बनाता। लेट मी जस्ट शो यू वंस। हेलो गाइस, भैया का एक ऑर्डर है, वही मैंने आज रिसीव किया अभी। सो बिग ऑर्डर, मेरा फोन, लेट्स अनबॉक्स। मैं एक्चुअली भूल भी चुका हूँ कि लास्ट मैंने व्लॉग कितने बजे किया था। देखो हर जगह पे मैं यहाँ पर गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे इस लाइक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है। हालत का भी बैंड बजा हुआ है दिस मोमेंट, तब सुबह से मतलब एक के बाद ना एक ना कांड हुए जा रहा है यहाँ पर। मुझे पता भी नहीं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड्स। मामा का आयुष्मान कार्ड था नहीं, सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई गॉट ए गाय, मतलब सड़क पे, मतलब आई वॉज आउट फॉर परचेजिंग समथिंग एंड सडनली आई गॉट दिस गाय, एंड उसने मतलब सारा कुछ अरेंज करके कार्ड विद इन मिनट्स बना के मेरे हाथ में दे दिया। सो विशाल भाई, इफ यू आर सींग दिस वीडियो, देन थैंक्स अ लॉट, ही हैज़ बीन द लाइफ सेवर इन दिस द होल स्टोरी। एंड देन पॉजिटिव चीज़ें एक के बाद एक बहुत सारी हुई है, होती भी रही है, बट नेगेटिव्स ने इस चीज़ों इन चीज़ों को ना ओवर पावर कर लिया। अगर अथॉरिटी से कोई देख रहा है, आई एम श्योर कि मेरे कुछ दोस्त है ऑलरेडी यहाँ पर, दोस्तों का सहारा लेके मैं यहाँ पर बैठना नहीं चाह रहा था। जो लोग भी तुम लोग देख रहे हो तुम लोग मतलब बोलो कि हाँ यहाँ पर आया और कॉन्टेक्ट भी नहीं किया, लेकिन देख दोस्तों के ऊपर यहाँ पर रौब जमा के मैं यहाँ पर बैठना नहीं चाह रहा था। मेरी वजह से मतलब कुछ भी स्पेशली किया जाए ये चीज़ मैं हमेशा से अवॉइड करता हूँ। जनरली जैसे होता है सब पेशेंट के साथ वैसे ही हम लोग आ रहे हैं। ऑब्वियसली हैबिटेटेड नहीं थे तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अथॉरिटी से जो लोग भी देख रहे हैं ना, मतलब मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है ना तो वो बहुत ही एक बिगड़ा हुआ मेंटल स्टेट में आता है। मैं यहाँ पर, मुझे पता है कि आप लोगों को दिन रात काम करना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, बट ऐसे मत क्या करो, ये बिहेवियर ठीक नहीं है। मतलब हाँ मेरे प्लेस में बैठ के बोलना ये बहुत ज़्यादा अलग होगा, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते ये ऐसा बिहेव मत किया करो। स्पेशली द डॉक्टर्स, आप लोग लाइफ सेवर बोला जाता है आप लोगों को, लोग भगवान भी बोल लेते हैं आपको। वही भगवान अगर ऐसे बात करे, बात सुनना तक ना चाहे, आपको तरह तरह की बातें सुना के जाए, आप कुछ भी पूछे तो ठीक से जवाब ना दे, ऐसे बिहेव से पेशेंट का मॉरल एंड पेशेंट के अटेंडी का मॉडल पूरा डाउन हो जाता है। मम्मी की उम्र 60 साल के ऊपर है, मामा की उम्र 80 साल अप्रोक्सीमेटली, दोनों ही आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। हो सकता है आप डॉक्टर हो बट आपकी शायद उतनी हैसियत हुई नहीं है कि आप मम्मी से ऐसे बात करो। मम्मी के हज़ार हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो मम्मी को बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं, मम्मी के स्टूडेंट्स भी डॉक्टर हैं, अलग अलग कंट्रीज में है। रहा मेरी बात, मैं भी PhD हूँ, मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है। जब भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए ना, चाहे आप मेडिकल में हो, चाहे आप लिटरेरी फील्ड में हो,
वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा भी यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में काम होना थोड़ा सा गड़बड़ है। कोई भी अगर इमरजेंसी पेशेंट अगर यहाँ पर आता है तो उसके ब्लड का चेकअप होने में, मैं बड़ा चला के नहीं बोल रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट फिगर्स में बोल रहा हूँ, 4 से लेकर 5 घंटे लग सकते हैं। कभी कभी आपको 2 दिन भी लग सकता है। अगर आप सुबह को अगर आप देते हो तो फिर आपको रिपोर्ट्स शाम को मिलेगा। तो इमरजेंसी केसेस में मैं प्रीफर कभी शायद नहीं कर पाऊँगा। अगर कोई अगर मेरे से सजेशन अगर पूछेगा तो, और अगर उसके पास अगर आयुष्मान कार्ड अगर होगा तो फिर मैं बस एक ही सजेशन दे सकता हूँ कि आप लोग प्राइवेट में चले जाइए, एटलीस्ट आपका मॉरल हाई रहेगा। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हर जगह पे सेम रहता है, यही डॉक्टर बाद में जगह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पर दे विल बी बाउंड टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक विथ यू नाइसली। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मैं बुराई कर रहा हूँ, ये नहीं है। बट या देर आर फ्यू पीपल हेयर जो मतलब नहीं है ठीक, नहीं है। हर जगह पे ये होता है, बैलेंस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेरस बात करूँ साउथ की, तो साउथ में जब मैं गया था तो ऐसा था नहीं। एवरीवन वाज सो पोलाइट एंड द सिस्टम वाज सो स्मूथ। मतलब वहाँ पर भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया हुआ था, वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अ लग्जरी हॉस्पिटल। कंक्लूजन में बस इतना ही कह पाऊँगा कि इस साइड को साउथ इंडिया के जैसा वेल सिविलाइज्ड और वेल बिहेव्ड बनने में सालों लग जाएंगे। इस ब्लॉग को ये पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो फिर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हो तो फिर ज़रूर शेयर करना, थोड़ा डिसलाइक मार दो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब